आपकी जिंदगी में मिठास ना हो तो वो सूनी सी हो जाती है। ऐसे ही अगर डाइनिंग टेबल पर मीठा ना हो तो वो भी सूनी सी दिखती है। लेकिन हम आपके डाइनिंग टेबल को सूना नहीं दिखने देंगे, क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं स्पेशल डेजर्ट्स बनाना। हम यानी कि देसी शेफ, जिसमें मैं मरियम आपको बनाना सिखाऊंगी एकदम डिलीशियस डेजर्ट्स। और आज बारी है एक स्पेशल डेजर्ट बनाने की, जिसका नाम है टॉफी स्ट्रॉबेरी स्पेशल। तो जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। स्ट्रॉबेरीज, आधा कप मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, तलने के लिए तेल, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1/2 कप शक्कर, 1 छोटा चम्मच तिल सिके हुए। सबसे पहले हम मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडा को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें 1/3 कप पानी मिलाएंगे और फिर अच्छे से इसको फेंट कर हम एक घोल बना लेंगे। इसके बाद हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और फिर स्ट्रॉबेरीज को हम इस घोल में डुबोकर सुनहरा होने तक तल लेंगे। और जब स्ट्रॉबेरी सुनहरी हो जाएंगी तब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में मक्खन गरम करेंगे और फिर उसमें 2 बड़े चम्मच पानी और शक्कर डाल देंगे। जब तक कि शक्कर पिघल नहीं जाती तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसके बाद हम पैन को गैस पर से उतार लेंगे और फिर तली हुई स्ट्रॉबेरीज को इस गरम घोल में डाल देंगे। इसके बाद हम इस पे तेल छिड़केंगे और फिर हम फौरन इसे ठंडे पानी में डाल देंगे, ठंडे बर्फ के पानी में डालेंगे ताकि ये सख्त हो जाए। देसी शेफ की ये यमी रेसिपी यानी कि टॉफी स्ट्रॉबेरी स्पेशल बिल्कुल तैयार है। मैं इसे टेस्ट करने जा रही हूँ, लेकिन आप भी इसे जल्दी से अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाइए। टेक केयर एंड गुड बाय।